मेरे अधीन सुबीर रिया साहब स्टेट बैंक किशोर शर्मा मैं इंतई काबिल ग्राम मैं मनान ग्रामी दिल्ली से पिछले लाने वाले फिलहान नागपुर साहब पंडाल में किशोर शर्मा मेरे इंतई काबिल ग्राम भाई बुजुर्गो हल्के से हल्के घर कौन कौन से किसी लेने वाले मेरे भैयो बुजुर्गो हल्के से बाइक से कोटली से डिडार से जो भाई तुशील लाए प्रेस नमन गान मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमेशा इजरा नहीं को इज्जत बख्शी आजाद बख्शा दरमियान पखवा भी हुआ लेकिन उसके पत्थर अल्लाह ताला ने तिलाने वालों को इजाज बख्शा है और पूरे हल्के को इजाज बख्शा है मैं इसका अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वह कम है। मैं सुबीर रियाज इससे पहले मेरे अजीज नासिर बशीर का फंक्शन इसी जगह पर हुआ मियाँ दो मिनट पहले आज मेरे अजीज सुबीर रियाज का फंक्शन यहाँ हो रहा है। ये सुबीर रियाज ने जो आज आजाद अल्लाह ताला ने जो बख्शा है इसमें मेरे ख्याल में इसकी जाती मेहनत है किसी का कोई हिस्सा नहीं है ये सुबीर रियाज की जाती मेहनत है। मैं इसलिए सुबीर रियाज को दाद देता हूँ कि जो तुमने मेहनत की थी देर रात मेहनत की थी जमात के लिए जमात वालों ने आज तुम्हें उससे बढ़कर जो है सलाह दिया है इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और जमात वालों का भी शुक्र अदा करता हूँ। जमात पीटीआई ने जो कोई हमारे लड़के में अली मन गंडापुर साहब तनवीर झा साहब ने जो इज्जत अलका चौड़ी को दी है पूरे ट्वीट में दो जो तैनाती हुई है पूरे फील्ड में और अल्लाह के फजल करम से वो दोनों तैनातियाँ जो हल्का नंबर चौड़ी में हुई है वो कोटली में किलैंड में हुई है इस पर मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ तनवीर झा साहब का अली मन गंडापुर साहब का वो कम है। हमने सच्ची बात है अलगाव वालों ने उनको कुछ रिजल्ट सही नहीं दिया हालात वाकत को ऐसे थे जिसमें हम अपना वो उस मैार पर नहीं उतर सके लेकिन उसके बावजूद जमात ने अली मन गंडापुर साहब ने अलियात तनवीर झा साहब ने हमें जो कुछ दिया है हम एक लिहाज से शर्मिंदा भी हैं कि हमने हमारी मेहनत से बढ़कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला मैं ये पूरी टीम के साथ ये रान साहब के सामने भी बात कर रहा हूँ कि जब आइंदा इंशाअल्लाह ताला मौका मिला जिंदगी में तो हम इसका सिला जरा चार गुना ज्यादा इंशाअल्लाह ताला जमात वालों को देंगे अलग अलग फजल करम से ये अलग चार तो ही बने। मैं ये नासिर बशीर सुबीर रियाज ये पूरे हल्के की नुमाइंदगी करेंगे पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे अल्लाह के फजल करम से उनकी नानी का नाम रोशन करेंगे ये इंशाअल्लाह ताला ये रवायत हमारी हमारा काम है खिदमत करना वो चाहे आम मस्जिद में करें या दो दिन में अब तो अल्लाह ताला ने हमें उदा भी दे दिया है इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मियाब उतरेंगे और इंशाअल्लाह किसी को भी कोई किसी किस्म की गिले का शिकवा का मौका नहीं देंगे। ये मेरे दोनों जी तो होंगे मुजफ्फराबाद में मैं कोटली में मौजूद हूँ 24 घंटे कोई भी काम दिल के लेवल पर जो होगा इंशाअल्लाह ताला उसके लिए मेरी जात हाजिर है 24 घंटे अल्लाह के फजल करम से। जहाँ तक बहुत सारे हमारे साथी जहाँ मेरे नॉन लीग में बात साथी दोस्त आए मैं उनका भी खुशी से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे खुशी में शुक्रिया क्या की है। बाद नॉन लीग के साथी बहुत इतराज करते हैं मेरे कुछ बार मेरी पूरी टीम बार के ये चले गए हैं मुफाद की खातर अपनी जाती मुफाद की खातर पीटीआई में। सच्ची बात है मुस्लिम कमल को छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था बहुत मुश्किल था और ना मैं जिंदगी में छोड़ना चाहता था लेकिन सरदार सिंह साहब ने मुझे और मेरे तमाम ग्रुप को खुद कहा कि तुम्हारी हमारी जरूरत नहीं है तुम्हें हम निकालते हैं जमात से उन्होंने धक्के मारकर में निकाला और फिर हम बैठे सारे साथी बैठे हमने सलाम उशा किया ये कोई मेरा साथी खतर नहीं था पीटीआई में जाने का फिर हमने सामने सोचा कि हम 26 साल से तुम्हारे साथ चलने में लोग बाहर बैठे हुए हैं किसी तरह का काम नहीं हो रहा तो फिर सब साथियों ने मशवरा किया और हमें यही पीटीआई में हमें अपनी अफियत नजर आई कि पीटीआई वाले जो है वो हमारा सिला देंगे और जो कुछ हमारे साथ साथी साहब ने किया है
और हमें यहाँ तफुज जो है ना वो हमें कैद मिलेगा। फिर सामने हमने फैसला किया कि हमने कैद में शामिल इख्तियार करनी है, वो मेरे साथी वाले मेरे पूरे ग्रुप का फैसला है कि कैद में शामिल होने के सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुमत का और सबका वजीर आजम अब्दुल कुरीम न्याजी साहब का भी कि हमने अवामी मफाद भी हासिल किया है, हमने इलाके का मफाद सबसे पहले हासिल किया है कमर गर्म से और नार में न्याय जो इससे पहले एक बहुत बड़ा मसला था वो नून लीग वाले 5 साल नहीं करा सके, लेकिन अल्लाह के फजल करम से पीटीआई को घूम गए मुझे हमें वोट देने से पहले वो सिला दे दिया और नार न्याय की मंजूरी हुई जो कि तमाम इलाके का काम है। उस पर मैं पूरी हुकूमत का रीला साहब का अली मुनी साहब का और सबका रियाज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खैर दादी मोहाल की बात हो तो सब लोग जो है अगर सिकंदर याद है मुस्लिम की टीम मुसलमान छोड़ी फाटू करते हैं मुसलमान छोड़ी तो वो मफाद के लिए छोड़ी गए तो हमने अगर छोड़ी है तो इलाके मफाद की खातर अगर हमें जो है ना वो इतराज करने वाले देखे वो कहते थे कुछ नहीं मिला। ये पहले आज 2 मिनट पहले यहाँ फंक्शन हुआ आज भी इलाके फजल करम से किले में फंक्शन हुआ है तो आंखें बंद हैं बिल्कुल कान बंद हैं आंखें बंद हैं क्या देख रहे हैं कि अगर हमें सिला नहीं मिला किसको सिला मिला है। हमें अल्लाह ने भी सिला दिया है पीटीआई वालों ने सिला दिया है और हम इंशाल्लाह आगे चलकर जो भी है हम इंशाल्लाह मेहनत करके पीटीआई को से डबल चलकर इस तरीके से जाएगा अल्लाह के फजल करम से। टाइम बहुत हो गया खाने का भी टाइम है तो मैं इसी पे तमाम साथियों का बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत भी चाहूंगा और अपने नून लीग वाले साथियों को इतराज करते हैं इंशाल्लाह आइंदा ये कभी तरक्की का काम सबसे पहला बड़ा काम हमारा नेहबुद नाल वाला हो गया और अब हमने ये तो जाती मफाद में हमें मिल गया है तो उसे मिलना चाहिए क्यों ना मिलना चाहिए अगर किसी बात पर काम करें तो जाती मफाद ही होना चाहिए वो हो गया। अब इंशाल्लाह हम अलग तभी तरक्की में देर रात मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह ये रिजल्ट देंगे तो किसी को कोई मौका नहीं देगा जो आगे इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में बात कर सके इंशाल्लाह। मैं बात भी लंबी हो गई है मैं सिर्फ तमाम मेहमानों का एक बार फिर गरीबों से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब वजीर आजम शबीर अली बिन गट्टा पूर साहब का भी वजीर आजम शबीर तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जल्द चाहता हूँ बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया आपका।